सवाल आपका, जवाब हमारा। ये एक सीरीज है कि जिसमें कुछ किसान भाई जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम हमारे सोच अनुसार, हमारे समझ अनुसार देने की कोशिश करते हैं। और ये कई वीडियो इस बारे में आते हैं, इसके लिए हम गेट वाइज इसको बनाते हैं। तो आज की तारीख है 1 फरवरी 2019। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। ये है सवाल आपका, जवाब हमारा। मतलब हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पे हम कई सारे एजुकेशनल वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो को देखने के बाद किसानों के मन में कुछ सवाल आते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में हमको पूछते हैं। तो उसमें से जो भी अच्छे सवाल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं और उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। यह करने के पीछे हमारा उद्देश्य ऐसा है कि भाई किसान भाइयों को अच्छे से अच्छी जानकारी मिले। तो सिर्फ किसान भाइयों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ सवाल ऑलरेडी पूछे रहते हैं तो उसके जवाब भी हमने दिए रहते हैं, तो या कुछ पहले जो वीडियो है वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, या कमेंट में भी हम उसका जवाब देते ही हैं। और अगर गलती से कोई किसान भाई का सवाल हमसे छूट जाता है तो उन्होंने हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है वहाँ पे भी कॉल किया तो उसका जवाब उनको मिल जाएगा। तो आज तारीख है 1 फरवरी 2019, चालू करते हैं। हमने जो सुपर वेंचुरी का वीडियो डाला है उसके ऊपर ही ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो मैं बता दूंगा कि वेंचुरी मतलब क्या, कि पानी में घुलने वाला खाद, पानी से मतलब जो ड्रिप है टपक है उससे देने की यंत्रणा। तो पहला सवाल है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पूछा है कि रेनगन के साथ वेंचुरी फिट कर सकते हैं क्या। तो देखिए, कोई भी फवारा सिस्टम मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन जो रहता है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा मिले। टपक में पानी का प्रेशर 1 kg रहा तो भी चलता है, लेकिन फवारा सिस्टम में पानी का प्रेशर 3 kg 4 kg चाहिए रहता है। और जैसे कि वीडियो में मैंने बताया है, वेंचुरी का अगर इस्तेमाल करना है तो कुछ ना कुछ पानी का प्रेशर कम होने वाला है। तो ये मतलब रेनगन के साथ वेंचुरी चलेगी क्या, इसका जवाब ऐसा है कि भाई वो सिचुएशन पे डिपेंड है। अगर मान लो आपके पास वहाँ पे 7 kg 8 kg प्रेशर है, आपने वेंचुरी लगवाई और उसके बाद भी अगर आपको 4 kg 3 kg मिल गया है तो रेनगन काम करेगी। लेकिन अगर आपके पास 3 kg का प्रेशर है, वेंचुरी लगवाई और आपको उसके वजह से सिर्फ 1 kg प्रेशर मिल रहा है तो फिर रेनगन काम करेगी नहीं। तो ये वो सिचुएशन में डिपेंड रहता है कि क्या होगा। तो वेंचुरी का इस्तेमाल करने के बाद किसान भाई अगर प्रेशर मीटर पे प्रेशर गिन लेते हैं तो उनको आसानी रहेगी। अगला सवाल राजेंद्र सिंह भरिया, उनका सवाल पढ़ रहता हूँ कि वेंचुरी कम से कम कितने पाइपलाइन पे लगती है और प्रेशर कितने कम प्रेशर पे काम करती है। घर के गार्डन में पानी देने का 1 इंची का पाइप है, उसमें लगा सकते हैं क्या। उनका सवाल शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेंचुरी लगवाने के लिए पाइपलाइन कम से कम कितना इंची चाहिए, या प्रेशर कितना चाहिए, या घर का जो आंगन रहता है वहाँ पे बगीचा है वहाँ पे वेंचुरी लगवा सकते हैं क्या। तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि वेंचुरी जैसे खेत के लिए 2 इंची आता है, वैसे छोटे क्षेत्र के लिए 1.25 इंची वेंचुरी भी आता है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वेंचुरी पानी के प्रेशर पे काम करती है, तो जो गार्डन में आपको वेंचुरी लगवाना है वहाँ पे उतना प्रेशर है क्या कि आप पानी का प्रेशर क्रिएट कर पाए। अगर उन्होंने ये हमको बता सके कि वहाँ पे कितना पानी उपलब्ध है तो हमको आसानी रहेगी, या उन्होंने वो गिन के हमारे कॉल सेंटर पे कॉल किया तो उनको जवाब पक्का मिल जाएगा। अगला सवाल जाते हैं रजत खान, उन्होंने पूछा है सुपर वेंचुरी की कीमत क्या है। तो मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि एक वॉल
एक यूनियन, पाइप के दो टुकड़े, दो एल्बो और वेंचुरी, वेंचुरी के आगे वाला नॉन रिटर्न वॉल, कॉक और नली, ये सारे सेट जो सुपर वेंचुरी है इसकी कीमत है 3,000 रुपया। एक राव जी है, उनका सवाल है सुपर वेंचुरी कहाँ से मंगवाए। तो मैंने वीडियो में बताया ही है कि भाई कॉल सेंटर पे कॉल करके आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हो, या हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ ही दिनों में वो वेंचुरी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद वहाँ से वो खरीद सकते हैं। लेकिन तुरंत अगर उनको मंगवाना है तो हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है 9284000518, कोई भी नंबर पे कॉल करो, वहाँ से आप वेंचुरी मंगवा सकते हो। अगला सवाल है, जलगांव के एक किसान भाई है अरुण भुई, उन्होंने पूछा है कि जलगांव में आपका एड्रेस बताइए। तो जलगांव में हमारा जो डिस्पैच सेंटर है जो सिटी में है, वहाँ पे आना आसान रहता है, तो मैं वही का एड्रेस आपको बता देता हूँ। उधर का जो दुकान है उसका नाम है हीरा ट्रेडर्स, अजिंठा हाईवे चौक, नेशनल हाईवे 6, होटल सपना के नीचे। और अगर फैक्ट्री में उनको आना है तो एम सेक्टर है, मुंबई का एम, गोदावरी इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, MIDC जलगांव। अगला सवाल है जगदीश नाइक, उन्होंने पूछा है कि 200 लीटर का खाद के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब सुपर वेंचुरी से खाद देने का है तो 200 लीटर का खाद देने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो खाद देने का स्पीड रहता है ये डिपेंड रहता है आपके मोटिव फ्लो पे। मोटिव फ्लो मतलब क्या, कि मोटर से कितना पानी उधर आ रहा है उसको मोटिव फ्लो बोलते हैं। और दूसरा डिपेंड रहता है कि आप कितना प्रेशर क्रिएट कर पाते हो इनलेट और आउटलेट के बीच में। अगर मान लो कि आपका प्रेशर आधा किलो है तो आप लगभग 40-45 मिनट लग जाएंगे, और यही प्रेशर अगर बढ़ जाता है मान लो 1 kg 2 kg तो ये टाइम कम हो जाएगा। तो एक मोटा मोटी, जहाँ तक मैंने किसानों के खेत देखे हैं, 200 लीटर एक 20-25 मिनट तक उनको मिल सकता है। अगला सवाल है मंदरम बेनिवार, उन्होंने बोला है कि उनका कमेंट जो है वो वैसे के वैसे पढ़ के दिखाता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे, कि वेंचुरी फेल है, लगवाने से पाइपलाइन पे दबाव आता है, फवारा काम करना बंद करता है। तो इन्होंने जो कमेंट किया ये एक जनरल वेंचुरी के बारे में बताया हुआ है, और यही प्रॉब्लम को देखते हुए हमने हीरा सुपर वेंचुरी बनवाई थी, कि भाई जनरल वेंचुरी में क्या है कि जो एनो कॉक रहता है मुख्य पाइपलाइन पे, जो कॉक रहता है वो ज़्यादा बंद करना पड़ता है, और उसी वजह से पानी का प्रेशर कम हो जाता है, और उसी वजह से आपका फवारा काम नहीं करता है, बराबर है। लेकिन जहाँ पे जनरल वेंचुरी में 50-60% कॉक बंद करना पड़ता है, वहाँ पे ये वेंचुरी के लिए आपको 20-25% बंद करना है। तो हो सकता है कि प्रेशर लॉस कम आए और आपका फवारा सिस्टम काम कर जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि फवारा सिस्टम के लिए पानी का प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना पानी का प्रेशर है और वेंचुरी के बाद कितना कम होता है। मान लो वहाँ पे 4 kg है और उसका 20% अगर कम होता है, देखिए मैं 4 का 20% मतलब 0.8% अगर कम होता है, मतलब जी 4 से तो 3.2 kg का प्रेशर मिलेगा, उसके ऊपर फवारा काम करेगा। तो ये एक गणित रहता है कि वो एक्चुअल परिस्थिति में डिपेंड रहता है, अगर वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, और उसके लिए उनको दूसरा जो हमारा फर्टिलाइजर टैंक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला सवाल जाते हैं PD ढक्कड़, उन्होंने हमको धन्यवाद बोला है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, उनका कहना है कि और वीडियो बनाइए, और वेंचुरी में मेन प्रॉब्लम प्रेशर का ही है उसके बारे में बताइए। तो शायद मैंने कई बार प्रेशर का जिक्र किया है, और जो दूसरी या तीसरी वीडियो आएगी उसमें भी प्रेशर के बारे में जानकारी मिलेगी, और मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा। ऐसे ही अच्छे कमेंट अगर आप लोग देंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको यह माध्यम से ज़्यादा एजुकेशन दे पाए।
अगला किसी भाई का नाम नहीं था, उन्होंने बोला है कि वेंचुरी फिटिंग का लाइव वीडियो दिखाइए, तो हमने तो वादा किया ही हुआ है कि भाई जो तीसरा वीडियो आएगा, दूसरा अभी आने वाला है, और जो तीसरा आएगा उसमें हम एक्चुअल में वेंचुरी कैसे काम करती है ये बताने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ सवाल है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका यही प्रकार से वीडियो बना बना के आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।